उठाने का काम करें कि ना हरियाणा की सरकार हमें चाहिए ना केंद्र की सरकार चाहिए, हमें तो इस देश के अंदर किसान मजदूर व्यापारी के हित की सरकार चाहिए। ऐसी सरकार हो जो तमाम मजदूर का, किसान का, व्यापारी का, कर्मचारी का भला करे। आज हमारे कर्मचारी भी बड़े भाई दुखी हैं, तमाम वर्ग के लोग दुखी हैं। तो साथियों, हम ये ज्ञापन डीसी के माध्यम से देना चाहेंगे और आप लोगों का भी धन्यवाद करूंगा। जी जी, नमस्कार। इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर INLD के जो कार्यकर्ता हैं वो ज्ञापन सौंपने आए हैं किसानों के लिए। जो तीन कृषि कानून हैं उनका विरोध करते हुए जो है यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो अधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर करनाल के जिला सचिवालय से देख रहे हैं, और इन तस्वीरों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, जहाँ किसान आंदोलन की बात की जाए, तीनों कृषि कानूनों के विरोध की बात की जाए, वो लगातार जो है जारी है। और ऐसे में करनाल से आप लोग ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर INLD पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस समय ज्ञापन सौंपते हुए जो है अधिकारियों को नजर आ रहे हैं, लेने के लिए आए हैं। और ज्ञापन उन्होंने लेकर के विश्वास दिलाया कि हम सरकार के महामहिम तक ये जरूर इस बात को हम पहुँचाने का काम करेंगे। तो मैं एक बार नारा लगाऊंगा, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, अब मैं सभी साथियों का। तो आप लोग देख सकते हैं किसानों के हक के लिए जो है निर्णय लिया जाए, यही एक मांग के साथ जो है INLO पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से हम लोग बातचीत भी करेंगे। आप लोगों से अपील यही रहेगी, शेयर जरूर करें। बातचीत करेंगे, आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर, किसके नाम ज्ञापन सौंपा गया है और क्या कुछ कारण रहा आज इस प्रदर्शन का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राष्ट्रपति। आज इंडियन नेशनल लोकदल जिला करनाल इकाई ने महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से, DC महोदय के माध्यम से ज्ञापन सरकार की आँख खोलने के लिए दिया गया है, क्योंकि हरियाणा में आज किसान बड़े पैमाने पे दुखी है। किसान की फसल को खरीदने वाला नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश का व्यापारी आढ़ती बड़ा परेशान है, उनको बारदाने की बड़ी समस्या है, और बारदाने की समस्या इतनी बड़ी है ताकि किसान को मजबूर किया जाए कि किसान अपनी फसल औने पौने दामों पे प्राइवेट लोगों के पूंजीपतियों के हाथों में बेचने मजबूर हो। हरियाणा में DAP खाद के रेट बढ़ाए गए हैं, 60% रेट बढ़ाए गए ताकि किसानों की कमर तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। डीजल, पेट्रोल, आम चीज़ें, महंगाई आसमान को छू रही है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार इन बढ़े हुए रेटों को तुरंत वापस ले, इनको तुरंत वापस लेकर के किसान को फायदा पहुँचाने का काम करे। उसकी फसल MSP पे खरीद दी जाए, MSP पे ना खरीद करके पूंजीपति आज जा करके फसल खरीदने पर लगे हुए हैं, और सरकार की बड़ी बहुत बड़ी सहाय उनको मिली हुई है। इसलिए मैं दोबारा से विनती करता हूँ कि इसमें हम जो ना आप लोग मीडिया भी हमारा साथ दें और सरकार की कानों तक ये बात पहुंचाए कि किसानों को बर्बाद करने का ये जो काम सरकार करी है वो छोड़ दे उसको, और 3 अध्यादेश जो सरकार ये लेकर के आई है हम उसका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़े पैमाने पे शुरू से विरोध कर रहे हैं कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने का काम ये सरकार करे। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसके नाम ज्ञापन? आज इंडियन नेशनल लोकदल का ये महामहिम राज्यपाल के नाम हमने जो ज्ञापन दिया है, जो हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे प्रदेश के ही अंदर जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पर है, किसान अपनी धुन में लगे हुए हैं और सरकार किसान को मारने पर लगी हुई है। जिस प्रकार खाद के रेट पहले इन्होंने निकाला कि 58% बढ़ गए, फिर कह दिया बाद में, अभी इनको दबा दिया गया है, ये किसान को बहका रहे हैं। ये कुछ दिन बाद फिर इन रेटों को इसी प्रकार से लगा देंगे। डीजल, पेट्रोल के रेट किस प्रकार बढ़ रहे हैं,
किसान के ऊपर मार पड़ रही है और ये इस बात का हिसाब नहीं लगाते, कोई बात तक वहाँ किसान के लिए करने के लिए नहीं है। भाई अभय सिंह चौटाला जी ने निर्णय लिया है, जब तक ये तीनों कानून काले कानून वापिस नहीं होते, जब तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का इसी प्रकार ये संगठन काम करता रहेगा, किसानों के हक में काम करता रहेगा। पहले कहा करते कि ये लोकदल वाले कह लो या अपोजिशन वाले किसानों को बहका रहे हैं, हमारे नेता ने उसी बात को मद्देनजर रखते हुए पहले किसान बनकर अपने राजनीतिक उससे त्याग पत्र देकर किसानों के साथ खड़े होने का फैसला किया। भाई अभय सिंह चौटाला ने जो किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं उसमें भी हमें सभी सहयोग करते हैं। आज जो किसान का कोई नाम लेने वाला नेता कोई है, भाई अभय सिंह चौटाला है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं, तो आज मैं आपके माध्यम से भी ये बात कहना चाहूँगा कि हमारी बात का ये जो आज का नतीजा है महामहिम राज्यपाल के द्वारा इस बैरी और गूंगी सरकार की आंखें खोलने का काम करें। उप मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान नेता जो है उन्हें कहा गया था, लेकिन अभी तक किसानों की किसी भी समस्या को जो है वो सुनते हुए नजर नहीं आए। उप मुख्यमंत्री के बारे में हम तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये लोग पब्लिक ही बता दे कि उप मुख्यमंत्री किस प्रकार से आपके अपने एरिए से, अपनी कम्युनिटी से, अपने जहाँ भी जिस भी महकमे के वो मंत्री हैं उनसे डरते घूम रहे हैं। हम अपनी जबान से मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? जी संदू तो आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर INLD के कुछ कार्यकर्ता जो हैं मौजूद थे, जो कि आज प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं तीनों कृषि कानूनों के विरोध में। और साथ ही साथ जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उसका भी विरोध जो है करते हुए जरूर नजर आए। सर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, किसके नाम ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ मांग है, क्या जानकारी? आज महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। आज हमारे प्रभारी नरेश आरण जी यहाँ पर आए थे और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर देश के अंदर महंगाई की मार जो पड़ रही है, आम जनता के ऊपर पड़ रही है, ये सब के सामने है, जिस पर डीजल के भाव बढ़ाए गए, खाद के भाव बढ़ाए गए, पेट्रोल के भाव बढ़ाए गए, हर दिन ये सभी रेट जो बढ़ रहे हैं, इसके विरोध में लोगों के बीच में जन आक्रोश है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम ज्ञापन देने के लिए DC साहब के ऑफिस में आए थे, तो आज हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से ज्ञापन देने का काम किया है और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी इन बातों की तरफ मांगों की तरफ ध्यान देगी। तो आपने देखा कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने बताया जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात की दामों की बात की जाए, चाहे सिलेंडर के दामों की बात की जाए, या फिर चाहे खाद की बात की, सभी तरीके से जो है दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ किसान आंदोलन जो कि पिछले काफी महीनों से चल रहा है, जहां देश भर से किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वही अलग अलग तरीके से चाहे अलग अलग पार्टीज हो या फिर किसान नेता हो, सभी जो है सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि उनका कहना है कि तीनों कृषि कानून किसान के हक में नहीं है और इसी के लिए इसका विरोध लगातार जारी है। वही आज करनाल के जिला सचिवालय से हम लोग आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर रेनो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर आज पहुंचे हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जानकारी? देखिए आज इंडियन नेशनल लोकदल के हजारों कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त करनाल को गवर्नर के नाम से ज्ञापन दिया है। देखने में अभी तक जो है कि जब से BJP की सरकार आई है, जब से किसान और कमेरे के ऊपर अत्याचार बढ़े, सारा का सारा हरियाणा और उत्तर भारत दिल्ली के चारों तरफ अपनी मांग के लिए पड़ा है, लेकिन सरकार जो है वो गहरी नींद में सोई पड़ी है। और आज की तारीख में केवल हरियाणा का रखवाली, हरियाणा की जनता का रखवाली, किसान मजदूर और देहात का रखवाली केवल इंडियन नेशनल लोकदल है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता चौधरी अभय सिंह जी ने, जो एकमात्र विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे करके और जनता की लड़ाई लड़ी है। और आज हजारों कार्यकर्ताओं ने जो सरकार को के कान चिताने के लिए काम किया है कि जो महंगाई बढ़ी है, खाद के रेट बढ़े हैं, डीजल के रेट बढ़े हैं, और तीनों काले कानून वापस लेने के लिए और MSP कानून लागू कराने के लिए आज ये ज्ञापन दिया। तो महंगाई के खिलाफ इनेलो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ जो कृषि कानून है उसके विरोध में सड़कों पर उतरी है इनेलो और प्रदर्शन किया आज जिला सचिवालय में और राज्यपाल के नाम DC के थ्रू ज्ञापन सौंपा गया है। समझने की बात ये है कि तीन कृषि कानूनों को लेकर पिछले लंबे समय से विरोध चल रहा है, किसानों का विरोध चल रहा है, तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। किस तरीके से देखते हैं, एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार पर? ऐसे है जी, दबाव हम नहीं बना रहे, बल्कि सरकार किसानों के ऊपर और जनता के ऊपर बना रही है। ये इन्होंने धीरे धीरे जो मंडी कानून है उसको खत्म करना है, उसके खत्म करने से इनको दो फायदे होने हैं। पहला फायदा ये होगा
कि जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और मिलता रहा है वो नहीं देना पड़ेगा। इन कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ये देना है। फिर हमारे किसानों से कम मूल्यों में ये पूंजीपति अंबानी अडानी अन्न खरीद करके अपनी शर्तों पर फिर इसको बाज़ार में बाज़ार की ज़रूरत के मुताबिक वहाँ तंगी दिखा करके ये पेश करेंगे उस अनाज को और ज़्यादा महंगे दामों पर बेचेंगे। इसलिए अपनी अपनी, अपनी अलग अलग राय है और उस पर सब लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनेलो पार्टी कभी मैदान में उतर रही है, कभी कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर रही है और समय समय पर इनकी तरफ से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल कोई समाधान निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और जब समाधान नहीं निकलता है तो फिर आंदोलन और आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। फिलहाल किसान मंडी के अंदर है, किसान खेतों में है और किसान बॉर्डर पर भी बैठा है अपनी मांगें मनवाने के लिए। जो तीन कृषि कानून है जिसको लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसी विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए आज तमाम इनेलो के कार्यकर्ता जिला सचिवालय पहुंचे। उन्होंने ना सिर्फ उन तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया बल्कि खाद के रेट जो बढ़े हैं, डीएपी का जो कट्टा होता है वो 1400 से 1900 तक पहुंच गया है, उसको लेकर भी विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो समर्थन मूल्य गेहूं का ज्यादा नहीं बढ़ रहा उसको लेकर भी विरोध हो रहा है। मंडियों में जो किसानों को परेशानी हो रही है उसको लेकर भी विरोध हो रहा है। ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले समय में सरकार के लिए एक चिंता का विषय बनती हुई नजर आ सकती हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति में क्या फेरबदल होता है, कहां कुछ देखने को मिलता है उन दो उपचुनावों के अंदर जहां पर कालका और एलनाबाद में चुनाव होने हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।